हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। ये है हमारे भाई अली, ये हमारी चिंकी मिंकी, और हम चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। हम जा रहे हैं नैनीताल। सुबह का वक्त है 7:30। मौसम सुहाना है, हल्की हल्की धूप, और हम चल पड़े अपने सफ़र की ओर। देखते देखते अब हम नूरपुर की ओर बढ़ चुके हैं। हम आ चुके हैं नूरपुर। नूरपुर चांदपुर से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे सिहारा। सिहारा तकरीबन 40 मिनट की दूरी पे है नूरपुर से। हमारे भाई अली ड्राइव कर रहे हैं कार। हेलो, मस्त मज़ा आ रहा है। देखते देखते हम बढ़ने चले सिहारा की ओर। अच्छा सफ़र है। सुबह का वक्त, हल्की हल्की सी धूप है, सूरज गर्मी काफ़ी है। हेलो हेलो, हाय। मौसम सुहाना है, वक्त हुए हैं सुबह के 8:30। बेहतरीन सफ़र रहा है अभी तक, गाने सुनते हुए हम मौज में और नज़ारा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए मज़े से हम चल पड़े अपने सफ़र। और अब हम आ चुके हैं सिहारा। चांदपुर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बताने में कि 60 है 65 है, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ। और ठाकुर द्वारा जाना है हम लोगों को। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी भी ज़्यादा होती जा रही है, मगर हम लोग एसी फुल स्पीड पर चल रहा है, गाने सुनते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है सफ़र में। गाड़ी, नई नई गाड़ी को चलाना किसे अच्छा नहीं लगता। अली भाई हमारे नई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेज़ा, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। अच्छी गाड़ी है ब्रेज़ा, 1500 cc इंजन के साथ। और ये देखिए, थोड़े थोड़े पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं काशीपुर से निकलते ही। भले से पहाड़ नहीं है, चट्टानें होती हैं थोड़ी थोड़ी। अगर बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना, पहला व्लॉग है। यहाँ से रोड का मज़ा अलग ही है, यहाँ गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। ये जो स्नेक रोड आ रहा है, स्नेक टाइप रोड, बढ़िया। यहाँ बहुत एहतियात से चलिए। जो नए बंदे आते हैं बस में यहाँ पर, उन्हें बहुत डर लगता है। देखते ही देखते हम वादियों में आते चले जा रहे हैं। यहाँ गाड़ी और बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। मज़ा आता है ऐसे सफ़र पे आने को। पहाड़ी इलाका, अपनी कार, और मज़ा डबल। बढ़िया नज़ारे इधर से उधर, इधर से उधर तक, एक से बढ़िया एक नज़ारे। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं नैनीताल। सुबह से निकले हुए हैं, बहुत थक चुके हैं हम लोग, और अब देखते हैं वहां जाके क्या सीन रहेगा। अब रूम लेना है, कहीं घूमने जाना है, वो वहीं जाकर पता चलेगा। बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में हम वहाँ होंगे नैनीताल के अंदर, मतलब नैनीताल की वादियों में। बढ़िया बढ़िया पहाड़, ज़बरदस्त नज़ारे। अब हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से नैनीताल। अब देखते हैं वहाँ जाकर क्या होगा, कैसे रूम लेंगे। भीड़ बहुत थी और हमने रूम तो ले लिया, अब हम निकले हैं घूमने। ये हमारे भाई अली, ये चिंकी मिंकी हमारी वीडियो बनाती हुई। ये है ढाबा, चांदनी चौक ढाबा, नैनीताल पे माल रोड पर सबसे लजीज रेस्टोरेंट चांदनी चौक ढाबा। गर्मी बहुत है और यहाँ ये है झील, अच्छा नज़ारा है। रात के वक्त यहाँ बहुत भीड़ रहती है। और ये है माल रोड, यहाँ पर ये नीचे वाला वे कारों के लिए रहता है, ऊपर वाले जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर पैदल के लिए, लोगों के लिए रास्ता है। ये देखिए रात का नज़ारा है। ये हम आ चुके हैं रूम में, बहुत थक चुके हैं हम। अब हम जा रहे हैं मॉर्निंग में, अगला दिन सुबह का हम जा रहे हैं जंगल रिसॉर्ट। वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हमने गाड़ी में बैठे बैठे ये वाली वीडियो शूट की। यहाँ पर सब पैदल चलते हैं, मगर हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली, तो इसलिए हम कार में घूम रहे हैं। देखिए बोट,
बोट का भी अपना अलग ही मज़ा है। यह एक बेहतरीन लंबा ऊंचा पहाड़, हरे हरियाली भरा शहर नैनीताल। एक से अच्छा एक पहाड़, दूर दूर तक आप जहाँ देखेंगे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। और आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ से हिमालय पर्वत नज़र आते हैं। और मैं और आफिया, आफिया अमेजिंग लग रही है। मैं भी थोड़ा फिट फिट सा नज़र आ रहा हूँ। कल हम बहुत थक गए थे शूट करते हुए। और ये है आफिया, आफिया मेरे साथ फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पर घूमने। और अब हम आए हैं एक जगह घूमने, यहाँ से जो नीचे का झील है वो बहुत अच्छी लगती है। अब हम उस झील में आ चुके हैं, ऊपर से सीधा नीचे हम बोट चला रहे हैं। भाई अली बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं अली भाई। अब हम अपने रूम पे आ गए हैं, दूसरा रूम लिया है हमने, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हम थे वहाँ से हम दूसरी जगह आए हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है, देखिए एक से बढ़िया एक। शाम के वक्त यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है। सुबह से हम घूम रहे थे, मज़ा आ गया घूमते घूमते। ये रहा हमारा रूम, रूम के अंदर हम हैं, पानी की बोतल, जूते। और ये रहा हमारा रूम, यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता है एक से बढ़िया नज़ारा, बढ़िया नज़ारे। और हम जाएंगे अब जंगल, नाम हमको उसका पता नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से जंगल, तैयार हो चुके हैं हम आ चुके हैं जंगल में। मज़ा आता है जब आफिया मेरे साथ होती है, हम एक दूसरे के साथ होते हैं और मज़ा आ रहा है एक साथ यहाँ पे। यहाँ पर आकर अच्छा लगा। आफिया की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थकने की वजह से, क्योंकि हम बहुत देर से इधर उधर घूम रहे थे, व्यू का नज़ारा ले रहे थे, मज़ा आ रहा था, मगर ये थक चुकी है। कहने लगी चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी काड़ी की तरफ, और हमारे भाई भी अली हमारे साथ ही है, मगर वो ज़्यादा कैमरे पर आना पसंद नहीं करते। और अच्छा लगा, अच्छी जगह है नैनीताल घूमने, बेहतरीन जगह है घूमने के लायक। और धूप सीधा हमारे सर है, गर्मी बहुत है यहाँ पर, जबकि पहाड़ी इलाका है ये। और आप बताइए आप लोगों के क्या हाल चाल। हम तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा वाटर पार्क। अब हम आ चुके हैं वाटर पार्क में, यहाँ हमने बहुत मज़े किए। यहाँ हम पिछले 2 घंटे से हैं और अभी भी मज़े ले रहे हैं वाटर के। गर्मी बहुत है तो यहाँ आना तो आप लोगों का बनता ही है। यह है वाटर पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल वाटर पार्क। ये देखिए बोट का ये पूरा एंजॉय ले रही है आफिया, छोटी सी बच्चों वाली बोट में बैठकर। कितना अच्छा लगता है बच्चों की तरह मस्ती करना, मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पर घूमते हुए। और ये वाटर पार्क है, बहुत अच्छा वाटर पार्क है, बहुत बढ़िया और बड़ा। यहाँ ज़रूर आइएगा जब भी आप नैनीताल जाए हमारे एरिए से। हम थक चुके हैं यहाँ पर, ये तो हमेशा थकती रहती। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।